ओ सोहेल के दो रह गए। ओ भाई एक साथ सामने के साथ में ये यहाँ का फोर्थ राउंड है। वो देखो ये खुशी के आंसू है। तो नेक्स्ट इस तरीके से ये है टायर नीचे की साइड में और टायर वाले ब्रिज है। गुस्सा आ गया सोहेल को। ये व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोहेल सेफी ब्लॉग। सो इस वाले ब्लॉग में मैं शो करने वाला हूँ ईयूडी एडवेंचर पार्क को, जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा चीपेस्ट एडवेंचर पार्क है। यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक जिप लाइन और जिप साइकिलिंग और काफी सारी एक्टिविटीज है जो कि मैं आपको दिखाई दूंगा। उसी के साथ यहाँ पे आप किस तरीके से पहुंच सकते हो, यहाँ का टिकट का प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, मतलब कंप्लीट मैं आपको यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो ये वाला ब्लॉग काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जो कि आने से पहले आपको यहाँ के बारे में पता होनी चाहिए। पहले बात करते हैं ईयूडी एडवेंचर पार्क की लोकेशन के बारे में। सो इसकी लोकेशन है गेट नंबर 3 संजय लेक मयूर विहार दिल्ली में। यहाँ का गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इजिली आप अपने कन्वेंस से आ रहे हो तो मैप लगाकर आ सकते हो। और ईयूडी एडवेंचर पार्क का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है त्रिलोकपुरी संजय लेक का, जो कि यहाँ से 1.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब मेट्रो से आप वहाँ से 10 रुपए में बैटरी रिक्शा लेकर आ सकते हो। यहाँ पे सामने की साइड में आप टिकट के बारे में बात करते हैं, तो टिकट का जो है वो कॉम्बो देखने को मिलता है, जो कि मतलब वीकेंड और वीकडेज में बटा हुआ है, जो कि उनका प्राइस आप यहाँ पे सामने की साइड में देख सकते हो। इसको आप अपने पसंद के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि प्राइस भी इन पे सबका दिया गया है। यहाँ पे किड्स का चार्ज बताया गया है, जो कि अबव 4 फीट होंगे तो उनका मतलब अडल्ट में लगेगा टिकट, और बिलो 4 फीट होंगे तो उनके लिए अलग कॉम्बो है, जो कि आप इस साइड में देख सकते हो। और टिकट जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। आप ऑफलाइन इस काउंटर से ले सकते हो, अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप मतलब डिटेल्स भर के कॉम्बो सेलेक्ट करके आप टिकट बुक कर सकते हो। और ईयूडी एडवेंचर पार्क की जो टाइमिंग्स है वो है मॉर्निंग के 11 बजे से रात के 8 बजे तक, और यहाँ का कोई भी वीक ऑफ नहीं है, आप किसी भी दिन विजिट करके इंजॉय कर सकते हो। सो इस तरीके से टिकट ले लिया है, जो हमने कॉम्बो लिया है वो लिया है 300 रुपीज वाला। ये स्लिप संभाल के रखना होगा, हर एक्टिविटी को काम आएगा, रेन डांस सबसे लास्ट में करना होगा, नीले कपड़ों में कोई भी एक्टिविटी लगा। अच्छा। जो आपकी वन टाइम की वो आप पहले ओके। सो जस्ट एंट्रेंस के बाद इस तरीके का लुक देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब सबसे पहले मैप देखने को मिल जाते हैं कि किस साइड में आपको कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, जो कि आप देख सकते हो। एंड इसी के पास में चलते हैं, तो यहाँ पर देखो इस साइड में भी ये सब इस तरीके से मैप बताया गया है, मतलब मैप में दिखाया गया है कि इस तरीके किस साइड में आपको कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। इसी के पास में ये पूरा ईओडी एडवेंचर पार्क का मैप है, जो कि मतलब इस तरीके से दिखाया गया है। इसमें भी दिखाया गया है कि किस तरीके में मतलब कौन सी जगह पे आपको कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पर भी देखो इस तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है कि कौन सी एक्टिविटी किस साइड है। सबसे पहले जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ज़िपलाइन। ज़िपलाइन में अंदर जाने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स पहनने पड़ते हैं, उसे पहनते हैं और चलते हैं। तो देखो वहाँ पे ज़िपलाइन करते हुए आ रहे हैं इस तरीके से, देखो काफी एंजॉय करते हुए। वाओ और ये बूम इस तरीके से रुक गए। सो इस तरीके से यहाँ पे रेडी करके चेन को लगा के फिर इस तरीके से भेज दिया जाता है। देखो आ जाओ यहाँ पे सामने की साइड में सबसे पहले बुल राइड है। हो
गाइस आप इस तरीके से बॉडी जॉर्मिंग भी कर सकते हो अगर आपके कॉम्बो में है तो। इस तरीके से देखो फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, देखो ओ भाई वाह, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से देखो किसी एक को टारगेट कर लो ये देखो भाई बॉल ओ भाई सीधा नहीं होने दे रहे हैं, बूम तरीके से सेकंड फ्रेंड है देखो, मतलब काफी एंजॉय कर रहे हैं। बाहर से ही और ये सामने की साइड में आप स्काई साइकिलिंग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आपके कॉम्बो में है तो। नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं ट्री टॉप पोर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। टेस्ट पर साथ में जाना है, उसके बाद हर ट्रैक पे वन बाय वन जाना है। ओके ओके चलते हैं ऊपर की साइड में ट्री टॉप पोर्स करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है तो ये फर्स्ट राउंड चलते हैं तरीके से, आ सकते हैं, काफी इजी था ये फर्स्ट राउंड था ना इसीलिए। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, एक एक करके आना है आपको, नहीं आना अभी एक ही बंदा आ सकता है। अरे कुछ नहीं गिरेगा ये इजी है, गाड़ी इस साइड से नहीं हिलता, इधर से हिल ही नहीं रहा है भाई, इधर से नहीं हिल रहा लड़की नहीं रही है, कैसे हिला भाई। यहाँ का सबसे फर्स्ट राउंड था जो कि इस तरीके से ब्रिज था, इसको क्रॉस कर लिया, काफी ज्यादा मजा आया। एंड यहाँ से अब चलते हैं सेकंड की तरफ जो कि आगे की साइड में है, ये सेकंड राउंड है, इस तरीके से ब्रिज है एंड ये फ्रेंड्स जाने वाले हैं तीनों एक साथ में। यार एक को तो खींच के ले जाते हम धक्का दे दे इसी में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। अरे आगे फटा हुआ है, अरे आगे फटा हुआ है, ये इस तरीके से जाना चाहिए, ये स्पीड चाहिए सुपरमैन भाई, इतना स्पीड से तो कोई नहीं जा सकता। तो आपको भी जाना है ना, जाइए आपकी बारी है। पंचाल फिर से रह गई है तो पीछे। So, ट्री टॉप पोर्स का थर्ड राउंड है, मतलब इस तरीके से ये है ब्रिज है, गुफा है और काफी अंधेरा है इसमें, तीनों एक साथ देखो कितना अंधेरा है अंदर, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा बहुत है, फिर बाहर जाने के बाद मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब काफी दे रहा है इसके अंदर, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। इजी है काफी, मुझे इजी लग रहा है, ओए होए होए बस एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो काफी हिल रहा है इस तरीके से। चलते हैं बाहर, देखो इस तरीके से है आगे,
बस पहुंचने वाले हैं, मंजिल करीब है। ओ भाई साहब, यहाँ पे काफी कड़ा है। सामने शायद में ये यहाँ का फोर्थ राउंड है, वो देखो फोर्थ राउंड है इस तरीके से। और ये ज़िगज़ैग ब्रिज है, काफी हिलता है, हेल्प करने के लिए जाना पड़ता है। देखो ये देखो हाफ ब्रिज है, कितना मेहनत कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ चल भाई, बहुत मजे तो ये ले रहे भाई। ये देखो भाई बस हवा निकल गई। फोर्थ राउंड काफी लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब फंस जा रहे हैं बीच में। चलते हैं फोर्थ में, ये तो इजी होगा भाई, काफी ज्यादा काफी इजी है। देखो इस तरीके से, ओ भाई साहब, मेरे लिए काफी इजी है क्योंकि वेट थोड़ा लाइट है ना, इसलिए। इसमें तो चांस भी नहीं उठने का, फिर एक बार अब तो आप पहुंच ही गए। ये थोड़ा सा टफ है, बाकी से थोड़ा सा टफ है। कोई नहीं, और भी जाओ, कौन जा रहा है? छोड़ दो, ऊपर से खुद को प्रेशर देके नीचे चले जाओ। छोड़ दो, अब हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, ऐसे लग जाएगी, ऐसे चोट लग सकती है, आप छोड़ दो। फाइनली भाई साहब इजी था, तो मैं छोड़ दो, फिर दोबारा सीन ये हुई ना। लगना भी चाहिए, अगर थोड़ा बहुत कुछ ना लगे तो फिर घर जाके क्या बोलोगे? हाँ ये बड़ी सही हो। सो ये नेक्स्ट इस तरीके से है, ये सिक्स एक्टिविटी है यहाँ की, इस तरीके का ब्रिज है ये। ओ भाई साहब, काफी आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि पैर इसमें से नीचे निकल जा रहा है। ये देखो इस तरीके से सीन है ये। इसमें भी डर लग रहा है इसी में। हाथ कांप रहा है क्योंकि वहां अटक गया था, एंड नेक्स्ट इस तरीके से ये ज़िगज़ैग ब्रिज है, काफी मतलब इस तरीके से लकड़ियां हैं, काफी हिलता है, चलते हैं इसमें भी। तरीके से चलना पड़ रहा है, ये देखो विदाउट पकड़े हुए जाने में तो मजा है यार, वैसे कहाँ मजा आने वाला है। देखते हैं अब कौन आने वाला है। राम 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 मन ये खुशी के आंसू है। नेक्स्ट इस तरीके से ये है टायर नीचे की साइड में, और टायर वाले ब्रिज है ही। अच्छा मतलब ये मतलब प्रेस हो रहे हैं, अगर वेट के हिसाब से दब जा रहे हैं तो सही से आना अगर आते हो तो। मैं तो इजीली जा रहा हूँ, इजी बोलो और चलते जाओ। तो ये भी काफी ज्यादा इजी था ये तो। नेक्स्ट उन्हें देखते हैं, मेरे लिए इजी था, इनके लिए किस तरीके से रहता है। जीने का मजा आ जाएगा।
फिर जीने का मन करेगा उसको। जब वो दो चार बार गिरेगा पड़ेगा हाथ पांव टूटेंगे तो फिर जीने का मजा अपने आप आ जाएगा। इसके बाद इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। ब्रिज के बाद लास्ट में ये इस तरीके से एंड है, इसके बाद ट्रेट ऑफ कोर्स खत्म होने वाला है। ये तो काफी इजी है। फाइनली ट्रेट ऑफ कोर्स कंप्लीट हो गया और काफी ज्यादा मजा आया, मतलब देख रहे हो तो मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था, मेरे को तो काफी मजा आया, बहुत मजा आया। कुछ डर भी लगा था? डर एक में लगा था, थ्री टॉप कोर्स में जो टनल वाला था उसमें थोड़ा सा डर गया था मैं, बाकी किसी में डर नहीं लगा। अच्छा, डर इसीलिए लगा क्योंकि छिल सकता था उसमें, छिल सकता था मतलब कुछ तीन था वो बता नहीं सकते, चिकी चिकी बम हो सकता था। और मुझे भी सबसे डर उसमें टनल साइड में लगा क्योंकि शर्ट फंस सकती है उसके अंदर, जो की फंसी थी हम लोगों की, और अपने शूज वगैरह पहन के आना क्योंकि सैंडल टूट सकती है। बाकी मजा बहुत आया और चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो ये कुछ इन लोगों का एक्सपीरियंस था। अंदर की साइड में इस तरीके से आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। तो इस यहाँ पे सामने की साइड में ढिंचक ढाबा है जो कि एक तरह से ढिंचक पूजा की याद दिलाता है, गाड़ी मेरी ऐसा कुछ मतलब सॉन्ग होते हैं उनके, तो काफ़ी मज़ा आता है। सो मैं आपको यहाँ का मेन्यू दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। सो बेसिकली ये यहाँ का इस तरीके से मेन्यू है जो कि आप देख सकते हो, इसको पॉज करके पढ़ लेना। सो इस तरीके से अंदर की साइड में आपको आइसक्रीम वगैरह मिलने वाली है जो कि ये सब ले सकते हो, इनका प्राइस आप देख सकते हो। एंड पानी की बोतल भी ले सकते हो 20 रुपए में। हाँ, ये सिस्टम अच्छा है। इस तरीके से बोतल है, काफी प्यारी बोतल है, तो घर पे भी ले आ सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे सामने की साइड में रेन डांस है। सो रेन डांस की टाइमिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हैं, जो कि ये यहाँ पे रेन डांस की टाइमिंग्स है वीकडेज और वीकेंड में। वीकडेज में जो चलता है वो 30 मिनट्स चलता है और वीकेंड में 15 मिनट्स। यहाँ पे भी चलने वाला है वो मैं दिखा दूंगा किस तरीके से मतलब इंजॉय करते हैं सब लोग। सो इस रेन डांस स्टार्ट हो चुका है और चलते हैं। ओके, सो ये सीन है रेन डांस का। और जिसके पास लड़की ना भाई मतलब अलग ही चलता है बॉयज का, काफी मजे ले रहे हैं। यहाँ पे सामने की साइड में लॉकर है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसी के पास में वहाँ पे सामने की साइड में वहाँ पे है चेंजिंग रूम, वहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे सामने की साइड में अब है आर्चरी, आर्चरी के अंदर आपको डार्ट्स और आर्चरी कर सकते हो। इस साइड में चलते हैं, तो एंट्री के बाद इस साइड में यहाँ पे डार्ट्स देखने को मिलते हैं। डार्ट्स के पास में ये पूरा आर्चरी का एरिया है और करते हैं आर्चरी, और इस तरीके से देखो काफी लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं। ओ भाई साहब थोड़ा सा रह गया, नेक्स्ट नहीं ऐसी जो मर्जी ले लो खाली हो जाए तुम। चलो भाई, वाह साहब मतलब लग रहा है लेकिन थोड़ा चिपक नहीं पा रहा है, काफी बढ़िया निशाना है भाई का। तो सामने की साइड में आप देख रहे हो वर्ल्ड फेमस गोपाल ब्लॉग्स आ चुके हैं। वाह क्या निशाना था भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई का निशाना, हाँ काफी बढ़िया था। लास्ट चांस, वंस मोर म्यूजिक, वाह बहुत ही बढ़िया। बस 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 करो, बस करो भाई, ये वाला बीच में लगेगा मुझे लग रहा है, गुस्सा आ गया सोहेल को। ये लग गया लग गया। और इस साइड में सामने की साइड में यहाँ पे डार्ट्स है जो कि इसमें निशान लगा सकते हो, तीन तीन का रखते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। ओके, टोटल काउंट करेंगे, टोटल काउंट करेंगे, वो वाला हटाओ वो। हाँ हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ, सिक्स 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 सिक्स, कोई नहीं वो काउंट कर लेंगे जाके सीधा। जीरो, ओ नाइन है भाई साहब, टेन नहीं, टेन नहीं है, नाइन में है। ये देखो ये सेवन में आ रहा है, ये भाई हाफ है, ये सेवन है, नाइन सेवन सिक्सटीन है, सिक्स पॉइंट फाइव कर लेते हैं। चलो
अब सोहेल की बारी, अब सोहेल अपना जलवा बिखेरने जा रहा है डार्ट्स गेम में। ओ भाई ये तो इसके लिए तो पुरस्कृत किया जाएगा तुम्हें। 7-7-7 भाई इतना कोई नहीं बना पाएगा जितना मैंने बनाया। ये देखो कितने बन रहे इसके, सोहेल के बन रहे कितने, 7 ओनली 7। एक ऊपर गया एक 7 ये तो जबरदस्ती है। ओ बाहर बहुत बढ़िया, तो 10 में भी लग जाएगा। ये देखो भाई ये मैं जीत गया। नहीं ये ट्राई बॉल था। ट्राई बॉल एक होती है। चलो कोई नहीं, ट्राई बॉल दे दिया हमने, आप मान लिया। चलो बहुत बढ़िया, आप से ट्रायल नहीं है, दूसरा चांस मिला है। देखो फिर भी बेइज्जती, बहुत बढ़िया भाई से 0 सारे बाहर है। यहाँ पे सामने की साइड में नेक्स्ट एक्टिविटी है बॉलिंग, जो कि इस साइड में आप बॉलिंग कर सकते हो। चलते हैं अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉलिंग मिलने वाली है, इस तरीके से ये भी खेलते हो चंपैक। टेबल टेनिस है सामने, ठीक है, एंड उसके पास में इस साइड में भी टेबल टेनिस खेल सकते हो, एंड वहाँ पे सामने साइड में वहाँ पे कैरम खेल सकते हो। कैरम के पास में ये बॉलिंग है। तरीके से ये वाले भी गेम खेल सकते हो। चिकन डिनर यहाँ पे सामने की साइड में लेजर क्रेजर में चलते हैं। इस तरीके से मतलब गेम खेल सकते हो, इंडिया टॉप रेटेड। तो ये इस तरीके से लेजर क्रेजर है, ये गन है और हेलमेट है, और ये पूरा एरिया है यहाँ का छुपने के लिए। हम सामने की साइड में यहाँ पर करने वाले हैं बोटिंग। सो ये पूरा बोटिंग का एरिया है, काफ़ी बड़े स्पेस में है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखो ये पूरा एरिया है यहाँ से लेके वहाँ तक, एंड चलते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ से इस साइड से हमें लाइफ जैकेट मिलेगी, उसको पहनने के बाद चलते हैं। सो चलते हैं बोटिंग में। तीन वाली हाँ, बैठ। तीन आ जाएंगे इसमें। हाँ, आ जाएंगे। ये तो क्या पानी को सबड़ा सब हल्का। ओके सो बैठ चुके हैं। देखो सामने सनसेट हो रहा है, वाओ। स्पीड में चला लो, जल्दी चलाओ, तेज चलाओ। सो चलते हैं आगे। गॉड सर, ये एक्सीडेंट होने वाला है। नहीं होगा, बचा लेंगे हम। चार यहाँ पे सामने की साइड में एक यूनिक बोट देखने को मिली है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। इस तरीके से देखो, वाओ।
इस तरीके से बोटिंग है। इसका क्या अलग था कुछ? इसका स्पेशल है गई? स्पेशल है गई? अच्छा, से सामने की साइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किड सेक्शन, जो कि ये पूरा किड सेक्शन है। एंड इस तरीके से वहाँ पे सामने से अपने बच्चों के लिए ट्री टॉप कोर्स है। एंड इसी के पास में ये बच्चों के लिए मिक्की माउस है। एंड इस तरीके से ये रैबिट ट्रेन है, रैबिट ट्रेन। इस तरीके से बच्चों के लिए झूले हैं और वो टॉय कार है। एंड ये इस तरीके से बंजिंग जंपिंग भी है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के लिए जंगल हाउस है, चलते हैं इसमें। इसमें क्या क्या मिलने वाला है इस तरीके से देखो, ये एडवेंचर का है। एंड इस तरीके से ये झूले हैं। एंड ये सामने साइड में ये बच्चों के लिए पूरा ट्री टॉप कोर्स बनाया हुआ है छोटा सा। एंड इसी के पास में ये टनल है, काफ़ी प्यारी लग रही है। अभी टनल के पास में ये ब्रिज है एंड ये काफ़ी प्यारी लग रही है। वाओ, इस तरीके से है। एंड ये ब्रिज है, ब्रिज के पास में वो इस तरीके से वहाँ पे झूले हैं। झूले के पास में ये भी इस तरीके से एडवेंचर है, काफ़ी है बच्चों के लिए। एंड इस तरीके से यहाँ पर भी झूले हैं। ओके, सो ये भी टनल है। सो इस तरीके से ये भी टनल है, मतलब यहाँ से लेके पूरी टनल है, किसी भी साइड निकल सकते हो। गाइस, हम लोग आ चुका है पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, अभी हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। हम लोग मॉर्निंग से भूखे हैं। ये देखो सूख गया लौंडा, ऐसे मतलब धूप में घुमा के इसको सुखा दिया है। चलो कोई नहीं, अभी पिज्ज़ा मारते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बाहर देखो अंधेरा हो चुका है। सो दैट्स इट फ्लॉलेस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में घूमने की बेस्ट प्लेसेस के बारे में, बेस्ट लोकेशंस के बारे में मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय।